नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। झारखंड मुक्ति मोर्चा नगर कमेटी के द्वारा शहर के प्रतिष्ठित जुबली पार्क के मुख्य सड़क को बंद किए जाने के विरोध में रैली निकालकर जिले के उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जुबली पार्क के गेट पर प्रदर्शन किया। पार्टी ने मांग की है कि जमशेदपुर शहर और उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के वासियों के लिए एकमात्र मनोरंजन स्थल जुबली पार्क है, लेकिन लगभग 2 वर्ष से पार्क बंद होने से मनोरंजन से वह वंचित हो रहे हैं। सप्ताह में एक दिन स्कूल की छुट्टी में माता पिता अपने बच्चों के साथ दिन भर की दौड़ भाग से हुए थकावट को दूर करने यहां आते थे। वहीं कदमा सुनारी जाने वाले लाखों लोगों को भी आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये 3 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंप कर अविलंब पार्क को खोलने एवं आवाजाही को बहाल करने की मांग की है। आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर नगर समिति के तरफ से विगत 2 साल से जुबली पार्क बंद होने का होने के कारण यहाँ बहुत सारे लोगों का परेशानियाँ हो रही है, और ख़ास करके जुबली पार्क जमशेदपुर शहर का एक प्रतीक चिन्ह जैसा है। जो जमशेदपुर में बाहर से जो भी लोग आते हैं, वे लोग जमशेदपुर के साथ साथ जुबली पार्क को देखना चाहते हैं, और जुबली पार्क ऐसे जगह में स्थित है क्योंकि पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर शहर को छोड़कर पूरे क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों का, बूढ़े बुजुर्ग का मनोरंजन का कोई साधन नहीं है। गांव देहात में जो स्कूल के शिक्षक लोग बच्चे को मनोरंजन कराने के लिए वो जमशेदपुर लाकर जुबली पार्क दिखाते हैं, साथ ही साथ यहाँ में बूढ़ा बुजुर्ग जो है वो लोग मॉर्निंग वॉक करके, इवनिंग वॉक करके अपने स्वास्थ्य लाभ लेते हैं, क्योंकि बाहर इतना ट्रैफिक होता है कि वो लोग बाहर में कहीं घूमने के लिए वो लोग को परेशानी होती है। ये जुबली पार्क सेफ जगह है, इसलिए बूढ़ा बुजुर्ग लोग आकर यहाँ टहलते हैं, बाल बच्चे लोग यहाँ आगे जो है खेलते हैं। साथ ही साथ जमशेदपुर शहर के लोग काफ़ी बिजी रहते हैं, उनको बाल बच्चों के साथ में समय पार करने का मौका नहीं मिलता है, तो कुछ समय निकाल कर यहाँ के लोग जो बिजी रहते हैं, वे लोग अपने बाल बच्चों को लेकर जुबली पार्क में आकर कुछ पल, कुछ क्षण बिता कर लोगों के बाल बच्चों के साथ जो है खुशी आम लेने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे जो महत्वपूर्ण जगह जुबली पार्क है, उस जुबली पार्क को 2 साल से बंद रखा गया है, जिससे जमशेदपुर वासियों के साथ पूरे पूर्वी सिंहभूम का बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए आज हम लोग डीसी के माध्यम से हम लोग किसको को ये जुबली जुस्को के बात कहना चाहते हैं कि अविलंब जो है जुबली पार्क गेट को खोला जाए और जनता के जमशेदपुर के जनता के लिए सुविधा हो, लेकिन सहूलियत हो, बाल बच्चों का खेलने का यहाँ मौका मिले। मैंने जैसे सुबह 5 से चूँकि गांव देहात के लोग बोलते रहे, गांव देहात के हमारे छोटे छोटे बच्चे को मास्टर लोग दिखाने ले आ रहे हैं जुबली पार्क, वो आते हैं तो यहाँ 10, 11 बजे, 12 बजे आते हैं, उस वक्त तो यहाँ जुबली पार्क बंद रहेगा, तो फिर किसको दिखाएंगे। इसलिए हम लोग का ये है कि जुबली पार्क को पूरी तरह से खुला जाए, रात को 10 बजे के बाद हो बंद हो, लेकिन दिन भर इसको जुबली पार्क जैसा था वैसे खुला चले। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।